वहां से लोग देख रहे हैं, जाओ किधर भाई। देखो राजस्थान में आपका स्वागत है। तो लेके आया, बट हम साचा नहीं लेके आए। अब हम पत्थर रखेंगे, पत्थर इसमें, उसके बाद उसको बनाएंगे। भाई बारिश स्टार्ट हो गई, अब क्या करें, जल्दी भगो फटाफट। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और आपको एक चीज दिखाता हूँ बाहर। दो मिनट लाइट चालू कर लूँ पहले, क्योंकि अंधेरा आएगा। अबे क्या है तेरे को, मेरे को वीडियो तो, अच्छा तू चलेगी थोड़ी पर जाम जाएंगे। तो गाइस मौसम देखो भाई, एक नंबर, कल मूसलाधार बारिश हुई है, यहाँ पे स्टोरी में डाली थी, एक नंबर कल बारिश हुई है, और इसी का हम फायदा उठाने वाले हैं। और जो है ना, हमारे घर से 50 मिनट दूर एक जगह है बुधनी के पास, वहाँ पे जंगल बने हैं बहुत सारे, और वहाँ पे आज संडे भी, वीकेंड भी है, तो वहाँ बढ़िया हम लोग जाएंगे, चिकन विकन लेके बना के वहीं पेल के खाएंगे। तो इसलिए हम लोग का प्लान बन रहा है, अभी प्लान 50% बन चुका है, लोग रेडी हो रहे हैं, लोग मना भी कर रहे हैं, हर ग्रुप में होता है, कोई मना करके हाँ करता है, कोई हाँ करके मना कर देता है, तो ऐसा कुछ सीन चल रहा है। पर सीन पूरा कन्फर्म हो जाए तो अपन फटाफट चलेंगे। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो भाई, ऑडी कल आ चुकी है एकदम बंधन के, और i20 तो है ही। अगर कम लोग हुए तो ये लेके जाएंगे, ज़्यादा लोग हुए दोनों लेके जाएंगे, कम में ये जाएगी, ज़्यादा में दोनों गाड़ी चले जाएंगी। और पिद्दी मेरे हिसाब से नहीं जाएगी, क्योंकि ये बॉयज़ पार्टी है, हैशटैग द बॉयज वाली पार्टी है, पिद्दी कहते हैं कोई काम नहीं, गर्ल्स की पार्टी तो करते नहीं। तेरी पार्टी होगी अभी, तू राइड पे चलेगी ना, तेरे को पार्टी पार्टी मिलेगी। तो गाइस बस अब संडे हो गया है, मेरा एक दो प्रोडक्ट्स और आने के लिए बचे हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे हम राइड पे निकल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वेनसडे को राइड पे हमको निकलना ही है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो गया है। तो फटाफट चलते हैं गाइस, लेट्स गो, प्लान बन रहा है, काश पूरा प्लान बन जाए और बढ़िया उधर चिकन विकन बनाएंगे भाई, बनाएगा, यस भाई। जा रहा है डोमिनार लेके, ये देखो भाई टॉप बॉक्स जो मैं कुछ ऐसी लगती है पीछे से, वो गई, बाय बाय, बढ़िया मजा आएगा भाई, ऐसा ही मौसम रहा राइड का तो मजा हो जाएगा। और पिद्दी के एज ऑलवेज मुंह बन चुके हैं, तो पिद्दी क्योंकि एज ऑलवेज तुम हमेशा अकेले जाते हो, ठीक है ना भाई। बात बताओ, अब मैं अपने दोस्तों में अपनी बीवी को लेके जाऊंगा, वो तो सब सिंगल लौंडे, अगर वो अपनी बीवी को लेके जाते तो मैं तेरे को लेके जाता क्यों, तेरे को मैंने घुमाया नहीं, कितनी बार डीवी मॉल लेके गया, शॉपिंग कराई, जो बोलती है करवाता हूँ भाई, इसका हर बार का चोचला, आज मैं चोचला खत्म, हर बार उसको ना लफड़ा करना होता है, हर बार लफड़ा करती है ये, सॉरी बोल कैमरे में, सॉरी बोल, कि बोल कि तुम जाओ, तुम अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, बोल जल्दी बोल, जाओ ना, दुकान ना कर रहा, बोल जल्दी बोल, ओह छोड़ दी, ओबे तेरी, ओबे तेरी, ओबे तेरी, हट हट, ये देखो गाइस मम्मी खड़ी, ये देखो भाई परी भी जा रही है, मेरे पास ये दोनों गाड़ियां हैं, ये देखो भाई परी भी गई, बाय बाय। दोनों भाई निकल चुके हैं, एक भाई दुकान गया, एक भाई मॉल गया, एक तुम्हारा भाई बैठा हुआ है फोकट, जो कि फोकट है वो जाकर चिकन खा रही है। देखो मार्च के महीने में पानी गर्म करके नहाना पड़ रहा है, कितनी तू कितनी कमजोर है, गर्म पानी करके नहा रही है, ठंडे से नहीं पड़ रहा है, मत कर, वहां से लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, जाओ जाओ किधर, इसमें कोई घुस सकता है, जाओ पागल हो गया यार, बेटी आंटी काम कर रही है, मेरे को अंदर आने दे, कैमरा बंद कर, कर दिया, ये देखो। तो गाइस ये आ गया मेरा ब्रंच, इसमें है ऑमलेट, फुलका, चटनी, दही, कद्दू, आलू के पकोड़े और रोटी, ये ब्रंच ही समझ लेते, क्योंकि अब मैं खाना सब चिकन ही खाऊंगा, डाल जाकर मैं बना के रो भाई। और हमने स्पीकर ढूंढे हैं जो हम चुनाव में काम आए थे ना, उनको हम चार्ज कर दिया, और उस पर गाने बजाएंगे, मस्त चिकन बनाएंगे, मजा आ जाएगा, लोकेशन इतनी सेक्सी भाई, आप लोग को मजा आ जाएगा, वहाँ शेर भी देख सकता है। अबे पीछे मारना है गियर, तो गाइस चलो, आप तो रेडी हो चुका है, आप दीदी कैसे देख रही है, हमें देखो चलो गाइस चले, दी तो बस घर पे बैठ, इसको घुमाने लेके चलेंगे या बेचारी को राइड पे, चली देगी वो तो राइड पे, क्या दिक्कत क्या है। गाइस लेट भी हो चुके हैं, बहुत सारा काम करना है अभी, ओ तेरी की, अभी अपने को सिलेंडर उठाना है, सामान खरीदना है, तो अपने को 3 बजे का पहुँचते पहुँचते, लोकेशन भी काफ़ी दूर है, इसलिए बाबा जल्द से जल्द करना पड़ेगा अपने को। ये सेकंड गियर लगा दिया तुम्हारे भाई ने, चलो
गाइस सिलेंडर वो मैंने ले लिया है, पीछे रख दिया, मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं गाड़ी मतलब रख रहा था यार, तो सब दिखाऊंगा तो फिर अब सिलेंडर नहीं दिखा गया तुम लोगों ने, देख घर में होगा जाओ किचन में देख लो, अरे करोड़पति घर में भी सिलेंडर होता है। हाँ नहीं तो अब फटाफट चलते हैं आकाश को उठाते हैं और अब अपने को सिलेंडर में गैस भरवानी, जो कि बड़ा टास्क क्योंकि यहाँ सिलेंडर 1200 रुपये का ही मिलेगा, कोई आधी गैस भरता नहीं, बट हमें भरवानी 300 रुपये की गैस, बाकी 1200 हम क्यों खर्च करेंगे लौंडे लौंडे है कि नहीं, तो इसलिए वो भाई बदबू भी आ रही है सिलेंडर की, मुझे लग रहा है कहीं फट ना जाए, और अगर फटेगा ना बाबा तो धमाका होएगा और 8-10 लोग को लेकर निपटने वाला है तुम्हारा भाई, जैसे आतंकवादी कैसे 8-10 लोग को लेकर निपटते हैं, तुम्हारा भाई सबको लेकर निपटेगा। मैं आया हूँ यहाँ पे ATM पैसे निकालने, अरे इंटरनेशनल कहाँ दबा दिया मैंने, और इसे AC को देखो अबे रुक जा भाई, ये हवा तो दे नहीं रहा है, बस चल रहा है खाली और फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ कर रहा है, टाटा का AC है वोल्टास का, देखो हवा थोड़ी थोड़ी आ रही है अंदर, देखो अंदर 100 साल का लगता है AC हो गया साला ये। देखो राजस्थान में आपका स्वागत है आका भाई, क्या बजे ले रहे हो क्या जैसे बड़े ले आ रहे हैं, किसका है किसका ऊट किसका है अन्ना के चल वही मिल रहा हूँ, चल अन्ना के अपने सिर से बड़ा पहचान का है क्या भाई, शेर सपाटा में हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सब कुछ फ्री, क्यों आका भाई वहाँ हमारे नाम से काम हो जाता है शेर सपाटा में, क्यों आका भाई चलो अपने पहले गैस भरवानी आ गई, चलो सिलेंडर में पहले गैस डलाएंगे, चलो भाई यहाँ भर रहा हूँ क्योंकि 3 किलो में हो जाएगा अगर भाई, चिकन बन जाएगा 3 किलो में, बच भी जाएगी क्यों, चावल भी खाऊंगा मैं, चावल बनाएंगे ना, और वो अचार अचार का महंगा में आला, उसमें तो रोटी रोटी ले लेंगे, चेक करा लेंगे, तो अभी अपन क्या ले सामान मसाला कर ले, अब चल रहे ना अभी यहाँ से चलने से पहले, ये अपना मैंगो जूस चल रहा है और आकर ले रहे हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक, बड़ा मजा आ गया, अब गए सारा सामान ले लिया हम लोगों ने, अब बचे ऐसे भाई सबको उठा के निकलना है लोकेशन पे, जल्दी बैठो यार टाइम हो गया, ये क्या निकल रहा है, तो भाई सारे लोग आ चुके हैं, मोहित भाई अजीत भाई बाल ये कर लिया और आकाश भाई तो है ही, कोई पुलिस की दिक्कत है ही नहीं है तो अपने को, अब भाई फटाफट सब्जी वाले सामान ले ले, ओ भाई इतनी सी बची गाड़ी एक उंगली साला हॉर्न देके भी नहीं गया, साले बोलो खड़ा मसाला ले ले फटाफट, लेट्स गो, बोल दो अंकल यही पास ही कहेंगे हम, अरे ऊपर उसको इधर बुला लो ना अधिकारी को, कहाँ है अधिकारी, अरे तुम फोन पे बात नहीं करोगे, चलो ठीक है ये देखो तो ये खड़ी रहने दो, हाँ यही खड़ी रहने दो, चलो मैं बात करता हूँ, मैं रुक जाओ, अब टोल का पैसा ही नहीं है तो क्या करें भाई, कहाँ से दें, हाँ उसका चल रहे हरे कृष्णा हरे राम। था इसी में था ये रखा हुआ है, तो गाइस यहाँ लोकेशन है नीचे, अभी मैं अपने कजन भाई को लेने जा रहा हूँ, होशंगाबाद 20 किलोमीटर यहाँ से है, ठीक है रुकना फटाफट सारे हम लेके आ रहे हैं, रेगुलेटर निकाल लिया गैस तो निकाल लो, अरे अभी निकाले कहाँ चलाएंगे, चिकन तो आए पहले, चल मोहित चल चलो भाई अब उसको लेके आ, तो गाइस आ गया बब्बू को लेने, यही उसकी गली है खंडर एकदम, देखो भाई यही पूरी सिंधी कॉलोनी है ये कृष्णापुरी होशंगाबाद की, चलते हैं लेके आते साले को, सामान सब ले लिया उसने, क्या सामान लिया तूने, सामान कितना लिया देखा, सब कुछ है ना सारे मसाले सब ले लिए, नहीं तो बड़े कम ना पड़ता है, कम में दिक्कत हो जाएगी वहाँ जंगल में कुछ मिलेगा नहीं, तो भाई इसमें प्याज दिख रहा है मसाले दिख रहे हैं सब कुछ, चलो तेल पानी सब कुछ है, चलो तो गाइस यहाँ 2 मुर्गी है, तो देसी वाली है वो 2500 रुपये की 2 किलो है मतलब पूरी मुर्गी, और जो पोल्ट्री वाली है वो सस्ती है, चल जान दे जान दे जान दे जान दे, गाड़ी में पटक दे, कितनी 10 है कितनी है 8 है, अच्छा ठीक है रख लो भाई, पानी भी आ गया, पानी की भी कोई दिक्कत नहीं, डाल दे स्पीकर तो रखा ही हुआ है अपना, प्लेटें भी ले ली सब ले लिया, रख दे अब देखना उलट पुलट ना जाए, चलो उठा गाड़ी उठा, चलो बो रहा है, बोलो बोलो देखो जंगल में बो रहा है भाई साहब, उतार दे नीचे उतार दे खाई में साला बेवकूफ, ले कांच लगा सारी गाड़ियों पे, चलो उतरो भाई सारा माल निकालो फटाफट, आई देखो बाबा फिर अच्छे से धो लेते
ये और बहुत चिकन है बाबा मोड़ पे। तो भाई हम लोगों ने सिलेंडर चूल्हा तो लेके आया बट हम लोग साचा नहीं लेके आए। अब हम पत्थर रखेंगे, पत्थर इसमें उसके बाद इसको बनाएंगे। शाबाश। प्लान में चाहिए थे हम लोग यहाँ पे, आप गैस चूल्हा रख के मतलब हम लोग देसी तरह से बना रहे हैं, गैस एडजस्ट कर दिया क्योंकि हम लोग सामान नहीं था, इसलिए हम इससे बनाएंगे आप चूल्हे पे देसी चूल्हा है। सब्जी वाला आया क्या? तेरे को लकड़ी लाने को बोली थी, पेड़ उखाड़ने को नहीं बोला था। भैया तू ये क्या लेके आ रहा है? अबे तेरे को पेड़ लाने को थोड़ी बोला था मैंने। भाई भाई ऐसे होने चाहिए बंदे। तो भैया तेल डाल दिया पूरा सरसों का, सरसों का डाला रख लो। हाँ, सरसों का। चलो भाई चूल्हा गैस आया, अभी चूल्हा जलाया हम लोगों ने, पेड़ तो वही ले आया है। देखो ये भोपाल से आ रहा है। अबे ओए तू कहां से आया चीनू? अबे पागल, इसको इतने अपने को ढूंढा कैसे भाई? हमने इसको कॉल भी नहीं किया, इसको पता कैसे पड़ा? अरे आकाश चलो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो अच्छी बात। चीनू चल दिया। वाह भाई ये चीनू को मैंने बुलाया भी नहीं, पता नहीं कैसे आ गया। या तू तुझे उधर क्यों गया मोहित? भैया देखो झाड़ पे चढ़ के बैठ गया साला ये। अबे उतर जा बंदर, ये देखो साले को झाड़ को। मोहित जल्दी है, मोहित बेटा चिकन बन गया है। हाइट यहाँ आग जल रही है और रोटी का वेट हो रहा है, चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है यहाँ पे एकदम तड़िया वाला। यहाँ आग जल रही है, देखो भाई चिकन आने वाला है। वो सॉरी चावल लोग लेने गए, वो लोग और रोटियाँ लेने गए, तो हम लोग बनाना कैंसिल कर देंगे। एक हमारे पास गाड़ी है तो उसमें बनाएंगे कैसे हम लोग, ये देखो भाई। तो गाइस बारिश स्टार्ट हो गई है, अब क्या करें? जल्दी भगो फटाफट। अरे बारिश जल्दी उठाओ फटाफट रे, चिकन उठाओ, चिकन चिकन ढको चिकन। अरे इसकी तो अगर चिकन ढक दिया, चिकन ढक दिया। अपन छुपेगा गाड़ी वालों लेके गए, छुपेगा अपन लोग। अरे भाई लोग गए 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 गए। तो गाइस देखो पूरी बारिश खत्म हो गई, हम लोग भीग गए, अब ये लोग आ रहे हैं। तुम्हारी बाहर निकाल, उसको बाहर निकाल साले, तू भी भीग बाहर निकाल, लेकिन तुम्हारी। तो गाइस यहाँ चिकन बन गया, हम लोग रोड पे बैठ के खा रहे हैं, चीनू की बाइक की लाइट जला के। टपक चिकन कैसा भाई लोग बताओ? एक नंबर, एक नंबर। आकाश भाई रेडी आता है पूरी चिकन बनाने का, ये देखो भाई एक नंबर खाना है। भीग चुके हैं, हालत खराब है, पर चिकन तो भाई बनाया तो खाएंगे, यही होता है भाई लड़कों के साथ पार्टी करने का मजा, यही होता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं घर और रात के बच चुके हैं कितना, 11 बज गया भाई साहब, और क्या पार्टी हुई है। मतलब हम लोग ने चिकन बना लिया, तब तक पार्टी हुई, चिकन बना के जैसे खाने के लिए हम वेट कर रहे थे, हम लोग ने दो लोग को भेजा चीनू और हनी भाई को कि जाके तुम रोटी चावल ले आओ। उतने में हो गई जोरदार बारिश, क्या फिर दी तेरे को? मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो थी नहीं वहां पे। इतनी जोरदार बारिश हुई है, हम लोग रोड पे खड़े रहे, गाड़ी वो लोग जब लेके आए जब बारिश बंद हो चुकी थी, अब हम सब करे तो करेंगे, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वहीं पे बैठ के खाना खाएंगे। हम सब वहीं बैठे, गीले तो हो ही चुके थे, भूख बहुत तेज लगी थी, कुछ नहीं देखा, रोड हाईवे कीचड़ गई तक गंदगी कुछ भी नहीं, सब वहीं बैठे फेल के खाना खाया। और तीन लोग वहीं से निकल गए होशंगाबाद, और हम बाकी पाँच लोग जितने गाड़ी में आए, तो उतने लोग हम गाड़ी में आ गए, सबको मैंने यहाँ वहाँ फेंका और मैं एंड में घर फाइनली आ गया। घर पर मैंने खाना ना फिर से और खाया, मेरे को और भूख लगी थी। अब फाइनली मैं एडिटिंग ये करेगी पिद्दी और मैं सो जाऊँगा। और गाइस हाँ, अब हम लोग को कल जो है बम्बल बी की डिलीवरी लेने जानी है, और शायद वो बन चुकी है, कल या परसों में हमें डिलीवरी उसकी मिल जाएगी, प्रॉब्लम ये कि कल ही मिल जाए। मैं भी चलूंगी। किधर? पगली है क्या? वो मेरा काम है।
उधर तू क्या करेगी सब, तेरा काम जाओगा तो मैं लेके जा रहा हूँ, इसका काम राइट पे तो उसको मैं राइट पे लेके जा रहा हूँ ना भाई, लॉन्ग टूर पे इतना खर्चा करके उसको गियर दिलाया सब कुछ दिलाया, हाँ राइट पे हम निकलने ही वाले, मतलब छोटे मोटे काम आने होने वाले, कल तक शायद कुछ पार्सल्स भी आ जाएं, तो वो जैसे ही आएंगे अपन राइट पे तुरंत दौड़ लगा के निकलेंगे। एक गोप्रो की बैटरी भी मैंने मंगाई है इंदौर से, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम लगता, तो मेरी बैटरी से वो फुल चुकी है, तो वो एक मैंने मंगा ली है, राइट पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसलिए सब कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपन फट से निकल जाएंगे। और ऐसी पार्टी आप लोग भी करते होगे तो कमेंट करके बताना, ऐसी पार्टी कभी देखी हो तो भी बताना, नहीं देखी हो तो भी बताना, दोस्तों का जो मजा है वो अलग ही रहता है। तो बस ठीक है, मिलेंगे आपकी तरफ ऐसी शानदार वीडियो में, वीडियो को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, इधर इधर हम टिल देन साइनिंग ऑफ सुमित विद निकिता सोती हुई, जय हिंद जय भारत, बाबा खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।